Welcome back, students. So today we will talk about movement in animals. As I had told you in our last class में हमने बताया भी था आप लोगों को कि हम लोग क्या करेंगे. Next class में chapter 9, the body and its movements में जो topic है movement in animals, इसके बारे में पढ़ेंगे. Clear? So बेटा, movement in animals, इनकी body या फिर ये कैसे मूव करते हैं, तो इनके पास जो मूवमेंट होता है यानी इनके चलने का जो तरीका होता है, इनके अंदर जो मूवमेंट्स होते हैं, किस तरह से ये क्या क्या मूवमेंट्स कर सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है. ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ स्केलेटन, मीन्स इनके पास किस टाइप का स्केलेटन है. ठीक है, एनिमल्स के पास किस टाइप का स्केलेटन है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा मूवमेंट शो करेंगे. क्लियर? इसीलिए इफ़ यू हैड ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से मूव करते हैं. ठीक है बेटा, सो वी स्टार्ट फ्रॉम अर्थवॉर्म से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. अर्थवर्म के पास क्या होता है बेटा, लिक्विड स्केलेटन होता है. क्लियर? इसकी बॉडी के अंदर लिक्विड का स्केलेटन होता है. ठीक है, दैट्स वाई इसकी जो मसल्स होते हैं वो उस लिक्विड जो प्रेजेंट होता है अंदर उसे मसल्स जो है स्क्वीज कर देती है. ठीक है, मसल्स जो होती हैं वो लिक्विड के अगेंस्ट एक स्क्वीज करती हैं. ठीक है, स्क्वीज करना मीन्स प्रेस होना. जब ये मसल्स जो हैं स्क्वीज करती हैं अगेंस्ट लिक्विड, तो क्या होता है, इसका जो फ्रंट पार्ट होता है वो एक्सटेंड करता है. ठीक है, आगे का हिस्सा जो है वो एक्सटेंड करता है, एक्सपेंड कर जाता है, बढ़ जाता है, और जो रियर पार्ट होता है यानी मिडिल पोर्शन वो फिक्स हो जाता है एक जगह पर. ठीक है, और फिक्स होने के बाद शॉर्टन होता है. शॉर्टन होने के बाद ये क्या करता है, जो रियर एंड है उसे आगे की तरफ भेजता है. ठीक है, मूव करा देता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, जिसकी वजह से हम लोग देखे होंगे कि अर्थवॉर्म जो है वो क्रॉल करता है एक तरह से. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग वी टॉक अबाउट कॉकरोचेस. हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉकरोचेस के बारे में. तो कॉकरोचेस में फर्स्ट थिंग मैंने लिखा बेटा एक्सोस्केलेटन. एक्सोस्केलेटन मीन्स क्या होता है, एक्सोस्केलेटन मीन्स होता है स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी, यानी स्केलेटन जो है बॉडी के बाहर. ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच हो गए, क्रैब हो गए, इनका आपने देखा होगा ऊपरी हिस्सा बहुत ही टफ होता है. टफ क्यों होता है, क्योंकि इनका स्केलेटन बाहर होता है. क्लियर? अब ये एक्सोस्केलेटन क्या करता है, ये मूवमेंट के लिए, मूव करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, और उनको प्रोटेक्शन भी देता है, प्रोटेक्ट भी करता है, बचा के भी रखता है. अब बेटा ये जो कॉकरोच हैं, इट कैन वॉक, क्लाइंब एंड फ्लाई. ये वॉक कर सकते हैं, क्लाइंब कर सकते हैं, फ्लाई भी करते हैं, एज यू हैड सीन ऑलरेडी, आपने देखा भी होगा. तो कैसे, इनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं. क्लियर, जो कि इन्हें वॉक एंड क्लाइंबिंग में हेल्प करते हैं. एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं जो कि इनके ब्रेस्ट से अटैच्ड होते हैं, ब्रेस्ट बोन्स. क्लियर, जो कि इनकी हेल्प करते हैं इन्हें फ्लाई करने में, उड़ने में. क्लियर रहेगा यहाँ तक? नेक्स्ट थिंग है हमारी अबाउट स्नेल्स. अ फुट, यानी इनके पास क्या होता है, एक फुट होता है जो कि थिक स्ट्रक्चर होता है, जो स्ट्रांग मसल्स से बना होता है. क्लियर, और इनका भी स्केलेटन आउटसाइड ही होता है. गॉट इट? सो इस फुट जो ये थिक स्ट्रक्चर है बेटा, मसल से बना हुआ थिक स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, ये एक सीरीज प्रोड्यूस करता है वेव लाइक मूवमेंट्स की. वेव लाइक मूवमेंट मीन्स हम कह सकते हैं वेव लाइक ऐसे. ठीक है, इस टाइप के मूवमेंट की एक सीरीज प्रोड्यूस करता है. बिकॉज ऑफ दैट ये अपनी बॉडी को आगे की तरफ पुश करता है, धकेलता है. क्लियर? सो बेटा, दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट इन एनिमल्स, एंड इन अवर नेक्स्ट क्लास वी विल
डिस्कस अबाउट सम मोर मूवमेंट्स, क्लियर? कुछ और टाइप्स के मूवमेंट्स की हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे.